देवभूमि के मेगा बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भाजपा के रोड शो में। स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भव्य स्वागत किया, जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्री का काफिला सीधे हर की पौड़ी के लिए रवाना हो गया। आपको बताते चले कि भाजपा के द्वारा 3:30 बजे का यह कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है। 5 बजे के बाद प्रत्याशियों के शोरगुल पर विराम लगता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री के देरी से आने के कारण रोड शो को स्थगित कर दिया गया और भेल स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम से सीधे हर की पौड़ी गंगा पूजन और गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए गृह मंत्री का काफिला सीधे हर की पौड़ी के लिए रवाना हो गया। बता दें कि मध्य हरिद्वार में हजारों की संख्या में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिकों का भारी जमावड़ा कई घंटों से इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल चेंज होने के कारण गृह मंत्री सीधे हर की पौड़ी पहुंचे, जहां मां गंगा का पूजन कर गंगा आरती में सम्मिलित होने वाले भाजपा के रोड शो में शामिल होने पहुंचे थे अमित शाह। चमोली के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जनपद आपदा केंद्र के निकट वोटर पार्क सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया है। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले के 3 विधानसभाओं में सखी बूथ, सैडो स्मार्ट बूथ और दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज वोटर पार्क सेल्फी पॉइंट स्वीप वॉल का शुभारंभ करने के साथ मतदान वृक्ष भी लगाया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग 14 फरवरी को मतदान करने के लिए प्रेरित हो सके। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जोशीमठ तपोवन टैक्सी स्टैंड में एकत्र होकर पूरे जोशीमठ बाजार में रैली कर लोगों को भाजपा को वोट करने की अपील की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन 5 सालों में भाजपा ने बहुत विकास किया है, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार 60 के पार उनका नारा सच साबित होगा और भाजपा विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। आज चुनाव का आखिरी दिन था और पार्टी के सारे कार्यकर्ता, युवाएं और महिलाएं, हमारे प्यारे बच्चे सब जो हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में आए और उनके अंदर बहुत बड़ा जोश खरोश, बहुत अन्य जो युवा हैं उनके अंदर बड़ी तमन्ना है कि हमारी उत्तराखंड में धामी जी की सरकार बनेगी तो मोदी जी और धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे। हमारे जोशीमठ जो पैनघट्टा ब्लॉक है, इसके नवयुवकों के लिए स्वराज स्वरोजगार के लिए बहुत योजनाएं लाएंगे। पर्यटन में जो है काफ़ी योजनाएं हमारे सरकार लाई हैं। देखा होगा कि आज जिस प्रकार से हमारे पैनघट्टा समुदाय के लोगों ने इस महारैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने आप सब लोग इस रैली में ऐसे समूह के रूप में आए हैं कि इससे एक प्रतीत होता है कि आने वाला समय जो है कि भाजपा और भगवामय होने वाला है और 60 पार का जो हमारा नारा है वो सिद्ध होने जा रहा है। विधानसभा चुनावों के पारदर्शी, सकुशल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु चमोली पुलिस एवं प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के जिम हॉल में जिलाधिकारी चमोली और एसपी चमोली द्वारा चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस, अर्धसैनिक बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग ली गई। पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा फोर्स को ब्रीफ करते हुए सभी को उचित कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि निष्पक्ष एवं निर्बाध चुनाव हेतु पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। ईवीएम की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए बूथों पर मतदान के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस देखिए पूरी तरह से तैयार है 14 को मतदान कराने के लिए। हमारी लगभग 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी के हमें मिली है, लगभग 1 कंपनी 1.5 सेक्शन हमारे पास पीएसी है जो स्टेट की पीएसी है, उसके अलावा हमें जो है 1300 से ज़्यादा होमगार्ड की आगे के अधिकार दरों आरक्षण।
केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे के लिए वोट मांगे हैं। मतवा मिशन के प्रमुख शांतनु ठाकुर ने गदरपुर विधानसभा में अधिकांश लोग जो कि मतवा मिशन को मानने वाले हैं उनको लुभाने के लिए एक जनसभा की और लोगों से अपील की है कि अरविंद पांडे को एक मौका जरूर दें। वहीं भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास कर रही है, मुझे एक बार और आशीर्वाद दीजिए, इस क्षेत्र में कोई भी विकास की कमी देखने को नहीं मिलेगी। पार्टी ने धोया है, उस नाते बंगाली समाज शांतनु ठाकुर का स्वागत करना चाहता है और इन सब कामों के लिए बंगाली समाज का माता और बहनों बेटियों का एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ रहा है। आज हमारे मध्य में शांतनु ठाकुर जी आ गए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कहीं से कहीं तक ये बंगाली समाज पटाली का समाज है, ये जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद देशवाद, बांग्लादेश में जो हमारी माताओं बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, वहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को अपमानित करके भगाया जाता है, उस अपमान को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है, मोदी ने खत्म किया है। इसीलिए बंगाली समाज देश का वोट है, भारतीय जनता पार्टी का वोट है। भारतीय जनता पार्टी के विकल्प कोई पार्टी नहीं हो सकता। हमने 70 साल सबको अपॉर्चुनिटी दिए हैं, किसी ने हमारे समाज तो छोड़िए, भारतवर्ष का रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसको नहीं किया है। पूरा उत्तराखंड के मानो आदमी बहुत सौभाग्यवान है इसलिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हैं और इस बार भी बनेगा, ये मेरा मन का इच्छा ही है, हमारे लोगों के अंदर भी वही है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर।
At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी माजा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर में मुख्य चौराहे के पास पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद चोरों ने दुकान का दरवाजा तोड़कर तांबे के बंडल जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है चोरी कर लिया। दिनेशपुर वार्ड नंबर 2 निवासी शंकर तरफदार ने कहा है कि बीती रात मुख्य चौराहे के पास शंकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर 25 लाख रुपए का तांबे का तार चुरा लिया। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। आपको बता रहे हैं कि जिस दुकान में चोरी हुई उसके पास ही मुख्य चौराहे पर रात भर पुलिस मुस्तैद रहती है। पुलिस गश्त को दरकिनार कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जो कि अपने आप में बड़े सवाल पैदा करता है। आके देखा ताला टूटा हुआ, ताला लगा हुआ है, शटर को टेढ़ा हुआ था। उसके बाद पीछे से आया तो पीछे एक दरवाजा था, उधर टूटा हुआ है तो कॉपर का तार डेढ़ फुट। कितने का था वो सामान? लगभग 25 लाख। 25 लाख। पुलिस वाले ने पुलिस को सूचना दिया हमने? पुलिस का आके सूचना दिया। क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने आके देख के गया जरा। दर्शकों, लक्सर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ एक व्यक्ति विजेंद्र कुमार जिसका नाम है उसको गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो अभी को गुंडा एक्ट में डीएम साहब के आदेश के बाद जिला बदर किया है, जिले के बाहर उनको छोड़ा गया। हिदायत दी गई कि वो समय अवधि पूर्ण करने से पहले वापस ना आए, यदि वो आएंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को कल हमने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, उनको आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
लक्सर में कांग्रेस पार्टी ने सैनी समाज के वोटों की तादाद को देखते हुए लक्सर विधानसभा सीट पर सैनी समाज से ही डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को चुनाव मैदान में उतार कर एक अच्छा सियासी दांव खेला था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने सियासी दांव को पलट कर रख दिया। अंतरिक्ष सैनी के खेमे से सैनी समाज के मतदाता टूटने लगे हैं। सैनी समाज के चार बड़े गाँव के ग्राम प्रधानों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनका कहना है कि सैनी समाज ने अपना समर्थन बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता को दिया है। इससे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी से उसका जातिगत वोट ही टूट जाएगा तो अंतरिक्ष सैनी को एक बड़ा झटका लगना स्वाभाविक है। चुनाव से कुछ समय पहले बड़ा फेरबदल कांग्रेस प्रत्याशी के लिए हानिकारक हो सकता है। वीडियो में यहां तक दिख रहा है कि सैनी समाज के लोग संजय गुप्ता को चुनाव लड़ने के लिए एक बंद लिफाफा भेंट कर रहे हैं। लिफाफे में क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा यह है कि सैनी समाज ने मत और धन से लक्सर विधायक संजय गुप्ता का समर्थन कर दिया है। इस तरह का फेरबदल कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। पुलिस द्वारा एक सूचना पर एक घर में दबिश दी गई थी जहां ये अवैध शराब रखी हुई थी जिसका प्रयोग संभवतः चुनाव में प्रयोग किया जाना था, तो वहां पर 8 पेटी शराब मिली है। मौके से अभी भाग गया था जो तो केड़ा का रहने वाला पाल सिंह, इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा रायसी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 2 पेटी शराब ले जाते हुए पकड़ा था, संभवतः ये चुनाव के संबंध में ही प्रयोग में लाई जानी थी। तो सैनी समाज ने कांग्रेस से किनारा किया है, और आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ उस वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है कि सैनी समाज के लोग संजय गुप्ता को चुनाव लड़ने के लिए एक बंद लिफाफा भेंट कर रहे हैं। लिफाफे में क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा यह है कि सैनी समाज ने मत और धन से लक्सर विधायक संजय गुप्ता का समर्थन कर दिया है। इस तरह का फेरबदल कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो लक्सर में पासा पलटता नजर आ रहा है, सैनी समाज ने कांग्रेस से किनारा कर दिया है और बीजेपी को समर्थन देते हुए सैनी समाज के लोग नजर आ रहे हैं। वही लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के केहड़ा गांव में एक घर में रखी अवैध देसी शराब की सूचना पर छापेमारी करते हुए घर में रखी देसी शराब की 8 पेटियां बरामद कर ली हैं। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। लक्सर कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर केहड़ा गांव के घर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 8 देसी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आरोपी पाल सिंह मौके से फरार हो गया, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया इसके अलावा रायशी चौकी पुलिस ने 2 आरोपियों को 2 देसी शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा एक सूचना पर एक घर में दबिश दी गई थी जहां ये अवैध शराब रखी हुई थी जिसका प्रयोग संभवतः चुनाव में प्रयोग किया जाना था, तो वहां पे 8 पेटी शराब मिली है। मौके से अभी भाग गया था जो केड़ा का रहने वाला पाल सिंह, इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा रायसी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 2 पेटी शराब ले जाते हुए पकड़ा था, संभवतः ये भी चुनाव के संबंध में ही प्रयोग में लाई जानी थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज पिरान कलियर विधानसभा के गांव इमली खेड़ा पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया है, पर अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनाई जाए, क्योंकि हमारी पार्टी वादा नहीं बल्कि गारंटी देती है और जो काम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया ने भगवानपुर और पीरान कलियर विधानसभा में रोड शो कर जनता से पार्टी को वोट देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार उत्तराखंड में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। विधायक अगर उसके कुछ चुने जाएं तो उनको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनवा दे। बीजेपी का आजकल एक ही काम रह गया है, कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, बीजेपी की सरकार बनाओ योजना, और बीजेपी का एक ही काम है लूटना, लड़ना, झगड़ना, लड़ाना, झगड़ाना। आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि स्कूल बनवाएगी, कॉलेज बनवाएगी, रोजगार देगी और दिल्ली में करके दिखाया, उत्तराखंड में करके दिखाएगी। तो क्या मानते हैं कि 5 साल में 3 CM भी बदले गए उत्तराखंड में, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? क्योंकि काम नहीं किया, कुछ लोग नाराज हुए तो उसके बाद में मुख्यमंत्री बदलते रहे। दर्शकों, लगातार सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करने वाले पैठाणी के ग्रामीण आज आखिरकार ब्लॉक प्रमुख और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आदि के द्वारा पैठाणी गांव में पहुंचकर लिखित आश्वासन दिए जाने पर मतदान करने के लिए राजी हो गए हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का यह बड़ा असर हुआ है और यह असर रंग लाया है। सक्षम अधिकारी आज पैठाणी गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों के बीच संबोधित करते हुए पीडब्ल्यू के अधिशासी अभियंता ने कहा है कि चुनाव निपटने के लिए उपरांत 1 माह के अंदर पैठाणी गांव की सड़क के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया कर दी जाएगी। इससे पहले पैठाणी गांव में छोटे स्तर के कर्मचारी लोगों को समझाने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहां के लोग उनकी एक नहीं मान रहे थे और चुनाव मतदान के बहिष्कार पर अड़िग बने हुए थे। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण मान गए हैं और मतदान के लिए राजी हुए हैं। इसमें यह है कि हम जो फॉरेस्ट में फाइल जा रखी है सड़क के लिए, और उसको हम 3-4 महीने के अंदर उसको पूरा स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे और उसके पास की निविदा लगवा देंगे। और जो गांव वालों का जो मुख्य मुद्दा था कि रोड नहीं तो भोड़ने का बहिष्कार में, लिखित रूप से वो आश्वासन देना चाह रहे थे तो हमने उनको लिखित रूप में आश्वासन दे दिया। हमने हमारे जो 2 सूत्री जो मांग थी काफी समय से 2018 से लगातार, लेकिन किसी भी शासन प्रशासन ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन वर्तमान में हमने गाँव वासियों ने ये मुद्दा रखा कि हम चुनाव पूर्ण बहिष्कार करेंगे, और हमारे 2 जनवरी से हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, लेकिन उस समय से लगातार पूर्ण बहिष्कार का जो कार्य चल रहा था, कल तक था, कल भी हमारी बैठक हुई थी ग्राम पंचायत पैठाणी में। हमारी जो ग्राम सभा की 2 मांगे थी, एक तो हमारी रोड नहीं तो वोट नहीं, एक हमारी प्रखाल चौथा मोटर मार्ग से पैठाणी हेतु 2 किलोमीटर मोटर मार्ग प्लस ये ग्वालदम बैजनाथ मोटर मार्ग से पैठाणी हेतु पुल प्लस 1.5 किलोमीटर रोड की जो मांग थी, उसको आज पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, उनके एई और जेई और हमारे इस ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति प्रमुख जी आज ग्राम सभा के बीच में आए हैं। उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया कि हम जो वन स्वीकृति है फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है उसके 1 महीने के बाद हम तुरंत इस पर काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि के इस मेगा बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।